नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी का खैर मकदम करती हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, काशी की ज्ञानवापी और मथुरा की ईदगाह मस्जिद के बाद अब औरंगाबाद के खुल्दाबाद में मुगल शासक औरंगजेब का मकबरा विवादों में है। औरंगजेब पर ही काशी में विश्वनाथ मंदिर को डा करके, मतलब ये वाला मंदिर क्या, जितने भी मंदिर गिराए गए हैं, तोड़े गए हैं, जहाँ जहाँ पर मस्जिद का निर्माण हुआ है, उन सभी पे मस्जिद बनाने का औरंगजेब पे आरोप है। हालांकि ज्ञानवापी और ईदगाह मस्जिद की तरह खुल्दाबाद में जमीन को लेकर के कोई विवाद नहीं है, या किसी मंदिर को ढाए जाने की बात नहीं है, या किसी मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ है। बात सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब की है, जिसे मराठा में सबसे बड़ा विलन माना जाता है। और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच नेता अकबरुद्दीन ओवैसी का अचानक औरंगजेब की कब्र पे पहुंचने से मसला और ज़्यादा बिगड़ गया है। इसी के बाद से औरंगजेब की कब्र को नष्ट करने की धमकी दी जा रही है। ये धमकी एमएनएस दे रहा है। वहीं मकबरे को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई ने 5 दिनों के लिए बंद कर दिया है, जबकि उद्धव सरकार ने यहाँ पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब सुरक्षा को जो बढ़ाया गया है उस पर भी विवाद है। एमएनएस ने उद्धव सरकार पर सवाल उठाते हुए ये कहा है कि सांभाजी राव के हत्यारे की कब्र की सुरक्षा बढ़ाना बेहद शर्मनाक बात है। और बीजेपी और राज ठाकरे की एमएनएस की इसी बहाने उद्धव की हिंदुवादी राजनीति पे सवाल उठाए जा रहे हैं। एक्चुअली इस समय इस मुद्दे को लेकर के महाराष्ट्र की राजनीति का क्या संबंध है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि औरंगजेब कौन था, किस तरीके से उसने विश्वनाथ मंदिर और कृष्ण मंदिर को ढहाया, ये सब इतिहास में दर्ज है। और काशी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच 13 मई को अकबरुद्दीन ओवैसी अचानक से औरंगाबाद पहुंच जाते हैं, और इसी दौरान ओवैसी औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूर खुल्दाबाद में स्थित मुगल शासक औरंगजेब की कब्र पे चादर और फूल चढ़ाते हैं। अब एमएनएस ने इसे एक साजिश बताया है ओवैसी की। साथ ही एमएनएस और बीजेपी औरंगजेब को लेकर के एक हमलावर उन्होंने अपना रवैया अपना लिया है। अब औरंगजेब की कब्र की तुलना ज्ञानवापी मस्जिद से की जाने लगी है। इसके बाद 17 मई को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस के प्रवक्ता गजानन काले ने एक ट्वीट किया है और ये कहा है कि शिवाजी की भूमि पर औरंगजेब के कब्र की क्या जरूरत है, इसे नष्ट किया जाए ताकि इनकी और ने यहाँ माथा टेकने नहीं आए। एमएनएस नेता ने शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे का जिक्र करते हुए ये कहा कि बाल ठाकरे ने भी यही बात कही थी, आप बाला साहेब की बातों को सुनेंगे नहीं क्या। उन्होंने ये सवाल भी किया है कि आप बाला साहेब की बातों को तवज्जो दीजिए। देखा जाए तो हिंदुत्व के मुद्दे पर औरंगाबाद में विवाद कोई हैरानी की बात नहीं है। ये विवाद कई दशकों से चला आ रहा है। शिवसेना के संस्थापक और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर कराने के लिए एक कैंपेन चला चुके हैं, सभी को मालूम है। संभाजी राजे भोसले मराठा किंग छत्रपति शिवाजी के बेटे थे। ये मैं आपको औरंगजेब का और मराठा का जो रिलेशन है उसकी मैं बात कर रही हूँ। औरंगजेब शासन के महाराष्ट्र में विस्तार की राह में शिवाजी एक कांटे की तरह थे। शिवाजी ने कई लड़ाइयों में औरंगजेब की सत्ता सेना को हराया था
1679 में औरंगजेब ने संभाजी राजे को पकड़ लिया था और काफी प्रताड़ित करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। इसी के बाद से मराठा इतिहास में औरंगजेब को एक विलन की तरह देखा जाता है। मुगल शासकों में सिर्फ एक शख्स था जो भारतीयों के बीच जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पाया था, वो था आलमगीर औरंगजेब। आम लोगों के बीच औरंगजेब की छवि हिंदुओं से नफरत करने वाले धार्मिक उन्माद से भरे कट्टरपंथी बादशाह की रही है, ये हम सब लोग जानते हैं। क्रूरता की मिसाल ऐसी कि जिसने अपने अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने बड़े भाई दारा शिकोह की भी हत्या कर दी, साथ ही अपने बुजुर्ग पिता शाहजहां तक को उनके जीवन के आखिरी 7.5 सालों तक आगरा के किले में कैदी बना के रखा था। औरंगजेब ने 15 करोड़ लोगों पर करीब 49 साल तक राज किया। उनके शासन के दौरान मुगल साम्राज्य इतना फैला कि पहली बार करीब करीब पूरे उपमहाद्वीप को अपने साम्राज्य का हिस्सा उन्होंने बना लिया। ये बताने की जरूरत नहीं है कि औरंगजेब कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, ये सब इतिहास में दर्ज है। औरंगजेब शाहजहां का तीसरा बेटा था, शाहजहां के 4 बेटे थे। इन सभी की माँ मुमताज महल थी जिसपे ताजमहल बना हुआ है। बाकी मुगल बादशाहों की तरह औरंगजेब भी बचपन से ही धारा प्रवाह हिंदी बोलता था। औरंगजेब ने अपने 87 साल के जीवन में 36 साल औरंगाबाद में बिताए और यहीं वो दफन हो गया। औरंगजेब पे भारत की कई प्रमुख मंदिरों को ढहाने का आरोप है। इनमें मथुरा में कृष्ण जन्मस्थल पर बना केशव राय मंदिर और काशी का विश्वनाथ मंदिर प्रमुख है। अगर इतिहासकारों की बात माने कि औरंगजेब ने ही 1659 में काशी का विश्वनाथ मंदिर ढहा करके ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी, तो अब आप देख ही रहे हैं कि इसका नतीजा क्या हो रहा है। वहीं 1670 में मथुरा का केशव राय मंदिर ढहा करके वहां पे ईदगाह मस्जिद बनाई थी। अच्छा, ये भी अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प वाक्या है कि औरंगजेब की कब्र आज तक कच्ची क्यों है और कब कब इस पे फिर दोबारा से इसको पक्का करने के लिए, इसको सुंदर बनाने के लिए प्रयास किए गए। औरंगजेब ने 1670 में लाहौर में दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाई थी और इस मस्जिद में 60,000 लोग एक साथ बैठ सकते थे। औरंगजेब ने अपनी पहली पत्नी दिलरस बानो बेगम के लिए औरंगाबाद में ही एक बड़ा मकबरा बनवाया था। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। हालांकि औरंगजेब की 1707 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में मौत हो गई थी। इसके बाद उसके पार्थिव शरीर को खुलदाबाद में उन्हीं के गुरु सूफी संत सैयद जैनुद्दीन के पास एक कोने में साधारण सी कच्ची कब्र में दफना दिया गया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस व्यक्ति ने इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई, ऐसी मस्जिद बनवाई जहाँ पे 60,000 लोग एक साथ बैठ के नमाज पढ़ सकते थे, उसे कच्ची कब्र ही क्यों नसीब हुई। इसका कारण भी खुद औरंगजेब ही था। औरंगजेब ने अपनी वसीयत में लिखा था कि मौत के बाद उसके गुरु सूफी संत सैयद जैनुद्दीन के पास ही उन्हें दफनाया जाए। औरंगजेब ने आगे अपनी वसीयत में ये भी लिखा कि जितना पैसा उस अपनी मेहनत से कमाया है उससे ही उसका मकबरा बनवाया जाए। और औरंगजेब अपने निजी खर्च के लिए टोपियां सिला करते थे और हाथ से कुरान शरीफ लिखा करते थे। औरंगजेब की मौत के वक्त उसके द्वारा कमाए हुए 14 रुपये और 12 आने थे, इसी पैसे से औरंगजेब का मकबरा बनाया गया था। ये बहुत खास पहलू है। देखा जाए तो पहले के बादशाहों के मकबरों में एक खूबसूरती दिखती है, भव्यता दिखती है और वहाँ पे काफ़ी सुरक्षा के इंतजाम भी होते थे। हालांकि औरंगजेब का मकबरा सिर्फ लकड़ी का बना हुआ था। 1904 और 5 में जब लॉर्ड कर्जन वहाँ आए तो उन्होंने मकबरे के इर्द गिर्द संगमरमर की ग्रिल बनवाई और इसकी सजावट कराई। औरंगजेब का मकबरा इस समय एएसआई के संरक्षण में है और एक राष्ट्रीय स्मारक है। अब मैं आती हूँ राजनीति की ओर। राज ठाकरे की ओर से औरंगजेब की कब्र को नष्ट किए जाने की धमकी देने के बाद से 19 मई को एएसआई ने
इसे अगले 5 दिन के लिए बंद कर दिया है। यानी कि इस समय औरंगजेब का जो मकबरा है वो बंद है, वहाँ कोई नहीं जा सकता, कोई वहाँ फूल नहीं चढ़ा सकता, कोई वहाँ मत्था नहीं टेक सकता। इसके साथ ही औरंगाबाद की पुलिस ने परिसर के आसपास की सुरक्षा भी बढ़ा दी है और MNS के प्रवक्ता गजानन काले ने सुरक्षा बढ़ाए जाने पर उद्धव सरकार पे तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सरकार का ये फैसला शिवाजी के भक्तों के जख्मों पे नमक लगाने जैसा है। काले ने कहा कि जिस व्यक्ति ने छत्रपति संभाजी की बेरहमी से हत्या कर दी, उसकी कब्र के चारों ओर सुरक्षा बढ़ाना बेहद शर्मनाक है। उद्धव पर MNS का हमला अकबरुद्दीन के मकबरे की यात्रा के तुरंत बाद से हुआ और ये मस्जिदों से लाउडस्पीकरों को हटाने का आदेश नहीं देने के लिए सरकार की आलोचना के साथ सहज रूप से जुड़ा हुआ था। यानी कि जब लाउडस्पीकर का मामला चल रहा था तब भी ये थोड़ा बहुत मकबरा विवाद से जुड़ा हुआ था। शिवसेना भी खुलदाबाद में औरंगजेब के मकबरे के बाद अकबरुद्दीन के जाने से नाखुश थी और इसकी आलोचना भी की गई थी। और मराठा इतिहास में औरंगजेब से बड़ा कोई खलनायक नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है, और छत्रपति शिवाजी महाराज से बड़ा कोई नायक नहीं है। ऐसे में किसी भी राजनीतिक दल के लिए अकबरुद्दीन के मकबरे पे जाने का बचाव करना यानी कि अपनी राजनीति को खत्म करने जैसा होगा, और जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय यही चल रहा है। अच्छा, वहाँ पे जो औरंगाबाद है बहुत शुरू से ही कम्युनल हॉटस्पॉट रहा है, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। औरंगाबाद में अगर हम देखें तो 32% मुस्लिम है और 68% हिंदू आबादी है, और अब औरंगाबाद हमेशा से कम्युनल हॉटस्पॉट का केंद्र रहा है। ये आज ही की बात नहीं है, ब्रिटिश शासन से आज़ादी के समय औरंगाबाद रजाकारों की रियायत का हिस्सा था और 1947 और सितंबर 1948 के बीच रजाकारों ने कई बार हिंदुओं पर हमले किए। शहर अभी भी हिंदू मुस्लिम के क्षेत्र में बंटा हुआ है। अगर आप कहीं वहाँ गए हों तो आप देखेंगे कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच एक गुलबंदी डिवाइडेड लाइन है और इसके और एक और हिंदू रहते हैं, दूसरी और मुस्लिम रहते हैं। शायद से ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। बाल ठाकरे ने 80 के दशक में पार्टी की मजबूती के लिए मुस्लिम विरोधी प्रचार के जरिए औरंगाबाद में जम करके ध्रुवीकरण किया था। इसके चलते जहां 1984, 1985, 1987 और 1988 में लगातार दंगे हुए, वहीं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव में AIMIM के उदय के साथ ही विभाजन और गहरा गया। तो जो औरंगजेब का मकबरा है उसका विवादों से आज का नहीं, कल का नहीं, बहुत पुराना रिश्ता है और उस शहर का दंगों से कोई नया रिश्ता नहीं है। बहुत सालों से वहाँ लगातार दंगे होते रहे हैं। 80 और 90 के दशक में वहाँ काफ़ी दंगे हुए, सभी को मालूम है। और अब एक बार फिर से जब चारों ओर ज्ञानवापी और मथुरा में मस्जिदों के नीचे हिंदू कहना चाहिए कि हिंदू धर्म के कुछ चिन्ह मिल रहे हैं, यानी कि वहाँ मंदिर होने की 101% अशोरिटी लोगों को दिख रही है, सभी लोग जान रहे हैं। और अलग अलग कोर्ट में अलग अलग मंदिरों और मस्जिदों के जो मामले हैं उन पे फैसले सुरक्षित रखे हुए हैं। उसकी वजह भी यही है कि कहीं कोई गलत सूचना से कोई उन्माद ना फैले, और इसीलिए अभी सारे जो कोर्ट के आदेश हैं वो रिजर्व रखे हुए हैं। दोस्तों, आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा?
आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिलहाल इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत।